हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर एट ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड वर्कशीट नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू फोर्टी फोर डिग्री इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू ए सी फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी यहाँ देखो इन्होंने यह बोला कि इन ट्राइंगल ए बी सी कोई एक ट्राइंगल दी गई है ए बी सी तो मैंने यहाँ अपनी तरफ से बना लिया है कुछ इसने फिगर बनाकर नहीं दी हुई थी लेकिन जब तक हम फिगर नहीं बनाएंगे ट्राइंगल की तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले इन्होंने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी तो ए बी सी ट्राइंगल मैंने अपने आप बना ली ठीक है मेजरमेंट का कोई वो नहीं है अब सिर्फ आप अपनी मर्जी से कोई एक ट्राइंगल बना लेना जिसको आप नेम दे दे देना ए बी सी एंगल ए इज़ इक्वल टू फोर्टी फोर डिग्री तो यहाँ पर ए पॉइंट है तो यहाँ जो एंगल बना है उसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है फोर्टी फोर डिग्री इफ ए बी इज़ इक्वल टू ए सी ये जो ए बी साइड है और ए सी साइड है ये आपस में कैसी हैं इक्वल हैं फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी अब आपको बताना है कि ये नीचे ये बी और सी ये इनकी मेज़रमेंट कितनी आएगी इनका मतलब वैल्यू कितनी आएगी ठीक है अब आप यहाँ से देखो आपको दिया गया है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमें दिया इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी ए बी इज इक्वल टू ए सी ठीक है हमें यहाँ पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर किसी ट्रायंगल में उसकी दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल बनेंगे वो दोनों भी कैसे होंगे इक्वल ठीक है अब आप देखो ए बी साइड ये है ठीक है ए बी साइड ये है यहाँ से आप इसके अपोजिट चलोगे तो कौन सा एंगल आएगा सी एंगल सी इज़ इक्ल टू एंगल ये साइड देखो ए सी यहाँ लिखी हुई है ए सी ए सी साइड ये है जब आप इसके ये इसके अपोजिट चलोगे इधर तो आप पहुँचोगे एंगल बी पर तो एंगल बी और सी आपके कैसे हो जाएंगे इक्वल जो भी साइड आपको इक्वल दी हुई होंगी इनके अपोजिट एंगल देने को देखो यहाँ से चलोगे सी आएगा यहाँ से चलोगे तो बी आएगा ये दोनों एंगल आपके कैसे हो जाएंगे इक्वल अब आपको इनका रीज़न भी देना है कि अगर ये इक्वल है तो क्यों है आप इसका रीज़न भी बताओगे तो यहाँ पर रीज़न आएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रा आर इक्वल यहाँ पर रीज़न लिखोगे एंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल अगर किसी ट्राइंगल में उसकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो उनके अपोजिट जो एंगल्स आएंगे वो भी कैसे होंगे इक्वल होंगे अब यहाँ से देखो हमें पता चल गया कि जो सी और ये बी ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं इक्वल है ठीक है आपके दोनों एंगल कैसे आ चुके हैं इक्वल गए है? अब आप यहां से देखो अब हम इसके बाद यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल में उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है वन हंड्रेड एट्टी डिग्री तो हम यहां लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव एक ट्रायंगल में अगर हम उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो तीनों एंगल का सम कितना आएगा वन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू वन डिग्री रीज़न इसका यही हमने लिख दिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप सीधा ये लिख के डायरेक्ट तो, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी अब एंगल ए की वैल्यू दी गई है फोर्टी फोर डिग्री प्लस अब आप यहाँ से देखो बी आ, मैं एंगल बी की जगह यही लिख रही हूँ एंगल बी की जगह मैंने एंगल बी ही लिखा लेकिन मुझे पता है एंगल बी और सी आपस में कैसे हैं इक्वल ठीक है बी और सी आपस में इक्वल है मतलब इनकी वैल्यू कैसी है दोनों की बराबर है जितनी वैल्यू बी की आएगी उतनी ही सी की आएगी अब आप ये देखो सी बराबर है बी के तो मैं यहाँ से सी की जगह रिप्लेस कर सकती हूँ एंगल बी क्योंकि दोनों ही आपस में कैसे हैं इक्वल अगर कोई दो चीज़ें आपस में इक्वल होती है तो हम उनकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं देखो एंगल बी इज़ इक्वल टू सी तो मतलब जहाँ एंगल सी लिखा हुआ है उसकी जगह हम बी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं तो सी की जगह मैंने लिख दिया बी अब आप यहाँ से देखो ये एंगल बी और एंगल बी सेम चीज़ दो बार हो रही है तो इसके आगे भी बना इसके भी आगे बना तो ये बन जाएगा टू एंगल बी जैसे वन प्लस वन टू होता है ना तो ऐसे एंगल बी प्लस एंगल बी टू एंगल बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री प्लस के फोर्टी फोर डिग्री है यहाँ जाके क्या हो जाएंगे माइनस के आ जाएंगे फोर्टी फोर डिग्री अब यहाँ से लिखो टू एंगल बी इज़ इक्वल टू अब आपको 180 में से 44 माइनस करना तो ये बन जाएगा हमारा 10 में से 4 माइनस होगा 6, 7 में से 3, 7 में से 4 माइनस होगा 3, 136 डिग्री अब यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर एंगल बी को मैं यहीं रखती हूँ 136 ये टू यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा टू वन ज़ा टू टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू एट ज़ा सिक्सटीन तो यहाँ से मेरे पास आई है एंगल बी की वैल्यू कितनी आई है सिक्सटी एट डिग्री लेकिन आप यहाँ से देखो जो आपका एंगल बी है और सी दोनों आपस में कैसे हैं बराबर हैं यहां से देखो एंगल बी और एंगल सी आपस में कैसे हैं इक्वल है एंगल बी की वैल्यू 68 डिग्री आई है तो एंगल सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 68 डिग्री और यही आपके क्या आ जाएंगे आंसर यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू इन ट्राइंगल पी क्यू आर सॉरी ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आई ट्रायंगल ट्राइंगल ये जो ट्राइंगल आपकी पी क्यू आर दी है ये आई ट्राइंगल है विद पी क्यू इज इक्वल टू पी आर आप यहाँ से देखो आइसो सैलिस ट्राइंगल कौन सी होती है जिसकी दो साइडें इक्वल हों ठीक है एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों उसे हम बोलते हैं आइसो सैलिस ट्राइंगल अब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है अब ये पी क्यू और पी आर इक्वल तो मैंने यहाँ कट का निशान लगा दिया मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी है इक्वल है इफ़ एंगल आर इज इक्वल टू फोर्टी टू डिग्री ये जो एंगल आर है वो आपका कैसा है फोर्टी टू डिग्री का दिया हुआ है हमें बताना है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी आपको बताना है ये एंगल पी है इसकी वैल्यू कितनी आएगी ठीक है अब आप सबसे पहले यहाँ देखो ट्राएंगल की दो साइड इक्वल दी हुई हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ट्रैंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड्स के अपोजिट जो एंगल बनेंगे वो उनकी वैल्यू भी सेम होगी इक्वल होगी तो आप यहाँ से देखो पी क्यू ये वाली साइड है ठीक है इसके अपोजिट आप यहाँ चलोगे तो कौन सा एंगल आएगा एंगल आर ठीक है और पी आर ये देखो ये पी आर साइड है इसकी ठीक है आप इस पे से इधर चल इसके अपोजिट चलना स्टार्ट करोगे तो ये आएगा एंगल क्यू तो हमें पता चल गया जब ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी कैसे आ गए हैं इक्वल एंगल आर और एंगल क्यू आपके कैसे आ जाएंगे इक्वल और यहाँ रीजन लिखना जरूरी है रीजन क्या आएगा तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रा एंगल आर इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंगल इक्वल होते हैं तो साइड इक्वल अपने आप हो जाती हैं साइड इक्वल है तो एंगल अपने आप इक्वल हो जाते हैं अब आर और क्यू दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है सेम है लेकिन मुझे पता है आर फोर्टी टू डिग्री है तो देर फिर यहाँ से हमारा एंगल क्यू भी कितना आ जाएगा यहाँ से देखो एंगल आर और एंगल क्यू आपस आपस में दोनों इक्वल हैं और मुझे पता है आर की वैल्यू फोर्टी टू डिग्री है ठीक है जब ये दोनों आपस में बराबर हैं जब आर फोर्टी टू डिग्री है तो क्यू भी कितना आ जाएगा फोर्टी टू डिग्री है ठीक है तो एंगल क्यू की वैल्यू भी हो जाएगी फोर्टी टू डिग्री अब मुझे निकालना है एंगल पी कितने का आएगा अब आप देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता ट्रा एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है वन एटी डिग्री तो मैं यहाँ लिखूँगी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू वन डिग्री और ब्रैकेट में आप रीज़न दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है वन डिग्री अब आप इसमें से देखो एंगल पी की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है एंगल क्यू की जगह हम फोर्टी टू डिग्री लिख सकते हैं एंगल आर की जगह भी फोर्टी टू डिग्री लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री एंगल पी यहीं पर ही रहेगा फोर्टी टू और फोर्टी टू को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा एट्टी फोर डिग्री इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री एंगल पी की एंगल पी को यहीं पर रखते हैं वन एटी डिग्री प्लस के एट्टी फोर इधर जाके हो जाएंगे माइनस के एट्टी फोर तो एंगल पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी नाइन्टी सिक्स देखो एट्टी तो यहाँ एटी से तो एट्टी कैंसिल तो, तो, तो फोर और माइनस करने हंड्रेड में से फोर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा नाइन्टी सिक्स डिग्री और हमें यही बताना था कि एंगल पी की वैल्यू कितनी आएगी तो एंगल पी की वैल्यू आई <coughs> है हमारे पास नाइन्टी सिक्स डिग्री ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन एक्सो सेलिस विद ए बी इज़ इसमें देखो ये जो पहले इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे ही नज़र आएंगे आपको कि वही प्रॉपर्टी बार बार यूज़ हो रही है अब सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है सारे ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन एक्सो सैलिस विद ए बी इज इक्वल टू ए सी ये ट्राइंगल ए बी सी है ए बी और ए सी साइड आपकी इक्वल है एंगल जो बी है वो आपको फोर्टी डिग्री दिया हुआ है वट आर द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड सी जैसा हमने क्वेश्चन नंबर टू किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर थ्री भी है अब आप यहाँ से देखो आपको दिया हुआ है ए बी इज़ इक्ल टू ए सी ए और ए सी साइड इक्वल है तो ए बी के अपोजिट एंगल आ रहा है सी और ए सी के अपोजिट एंगल आ रहा है एंगल बी ठीक है अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाएंगे इक्वल ए बी के अपोजिट एंगल आता है एंगल सी एंगल सी और ए सी ये वाली साइड है ए सी इसके अपोजिट एंगल बनेगा बी एंगल बी ठीक है और रीज़न क्या आएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ एंगल आर इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ओफर ट्र एंगल आर इक्वल ठीक है ये रीज़न हो गया अब हमें पता चलेगा बी और सी आपस में कैसे हैं इक्वल अब जब बी फोर्टी डिग्री दिया हुआ है तो एंगल सी भी कितना आ जाएगा फोर्टी क्योंकि ये दोनों इक्वल है जब ये फोर्टी है तो यह भी फोर्टी तो आप यहाँ से लिख दोगे एंगल सी और एंगल बी दोनों ही बराबर है और दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर्टी डिग्री दोनों फोर्टी डिग्री हो गए हैं अब मुझे पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है वन एटी डिग्री आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री रीज़न आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है ये इसकी रीज़न हो गई है अब एंगल ए हमें नहीं पता है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है एंगल बी मुझे पता है फोर्टी डिग्री है एंगल सी भी फोर्टी डिग्री है यहाँ इज इक्वल टू वन एट्टी एंगल ए यही रखा रहेगा फोर्टी प्लस फोर्टी कितना होता है एट्टी वन एट्टी डिग्री तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन एट्टी डिग्री प्लस के एट्टी इधर आके माइनस के एट्टी हो जाएंगे तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी वन एट्टी में से एट्टी माइनस करेंगे तो आ जाएगा हंड्रेड डिग्री और यही आपका आंसर आपसे पूछा गया था एंगल ए और सी की वैल्यू बताओ सी तो आया है आपका फोर्टी डिग्री और एंगल ए आया है आपका वन हंड्रेड डिग्री ये आपके आंसर हो गए नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आई एस इज़ वन हंड्रेड डिग्री फाइंड इट्स बेस एंगल्स अब बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये लगेगा कि वर्टिकल एंगल किस क्या ये कोई नई सी चीज़ आ गई है ठीक है तो आप देखो जब भी आपको एक ट्राइंगल बनाते हो तो जिसमें ऊपर टॉप पर यहाँ पर आता है इसको आप वर्टिकल एंगल बोलते हो जो ऊपर होता है ठीक है अभी इन्होंने बोला कि एक ट्राएंगल है ए बी सी जिसमें ये ऊपर वाला एंगल ये कितना आया हुआ वन हंड्रेड डिग्री और ये ट्राइंगल आपकी कैसी है इज़ एन आईस एस ट्राइंगल ये जो आपकी ट्रायंगल है वो आइसोसेलिस ट्रायंगल है मतलब इसकी दो साइडें इक्वल हैं ठीक है क्लियर है अब हमें बताना है कि फाइंड इट्स बेस एंगल तो ये बेस एंगल कितने के होंगे हमें ये बताना है इसमें अब आप यहाँ से देखो इन्होंने बोला ट्रायंगल कैसी है आईसो ट्रायंगल है मतलब उसकी दो साइड्स कैसी हैं इक्वल हैं दो साइड इक्वल कह लो या उसके दो एंगल इक्वल आएंगे ठीक है अब आप यहाँ से देखो अगर एक एंगल वन हंड्रेड डिग्री का है तो क्या इसका कोई दूसरा अब अब मुझे पता देखो आइस एस एलिस है तो उसके दो एंगल इक्वल आएंगे ठीक है अब मान लो कि जैसे ये 100 डिग्री है क्या दूसरा एंगल भी 100 डिग्री का आ सकता है नहीं आ सकता क्योंकि अगर ये 100 है और वो दूसरे को भी 100 कर दूंगी तो दो एंगल का सम ही 200 हो जाएगा जबकि मुझे पता ट्र के तीनों एंगल का सम तो कितना होता है 180 मतलब इनमें से कोई सा भी एंगल आपका 100 डिग्री का नहीं है ठीक है ऊपर वाला तो 100 का हो सकता है लेकिन नीचे वाले एंगल आपकी यही दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी ठीक है अब आप यहाँ देखो हमें दिया हुआ है ट्राइंगल आईसोसैलिस है इसका मतलब है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों एंगल आपके कैसे हैं बराबर हैं मतलब इनके जो अपोजिट ये जो साइड साइडें वो भी आपकी कैसी हैं इक्वल हैं ठीक है यही वाली दो साइड इक्वल आएंगी क्योंकि यहाँ से अगर ये मैंने अभी अभी, अभी आपको इसका रीज़न बताया है कि यही वाली दो साइडें क्यों इक्वल हैं क्योंकि देखो अगर ये हंड्रेड है मैं एक बार और रिपीट कर रही करी अगर ये मान लीजिए कि अगर हम ये माने कि ये दो साइड इक्वल नहीं है अगर ये हंड्रेड है मान लो कि मैं कहती हूँ कि ये मान लो कि ये वाले आइसोसैलिस्ट एंगल है उसमें दो एंगल और दो साइड इक्वल होती हैं अगर ये वन हंड्रेड है तो ये भी वन हंड्रेड तो दोनों का सम ही टू हंड्रेड हो जाएगा मतलब पॉसिबल नहीं है मतलब ये व इसके बराबर तो दूसरा एंगल नहीं है तो जो ये दो बच गए एंगल यही आपस में इक्वल होंगे और इन्हीं के अपोजिट साइड भी कैसी होंगी इक्वल आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी ए बी इज इक्वल टू ए सी ठीक है ये आप यहाँ लिख देना ट्राइंगल इज एन आईस एल ट्राइंगल ठीक है अब दो साइड इक्वल है ए बी के अपोजिट एंगल आएगा सी और ए सी साइड के अपोजिट एंगल आएगा एंगल B. रीज़न वही आएगा जो अब तक हम लिखते आ रहे हैं एंगल्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ओफर ट्राइंगल आर इक्वल वो भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं अब ये दोनों एंगल भी हमारे कैसे आ गए हैं इक्वल आ गए हैं अब आप यहाँ से देखो हमें पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है वन एट्टी डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री रीज़न क्या आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है अब आप देखो ए की वैल्यू हमें दी हुई है वन हंड्रेड डिग्री एंगल बी और सी आपस में बराबर है एंगल बी की जगह बी ही लिखती हूँ जितनी वैल्यू बी की है उतनी ही सी की है मतलब आप चाहो तो इस सी की जगह क्या लिख सकते हो बी क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर ही हैं रिप्लेस कर सकते हैं उसको बी प्लस बी हो जाएगा टू एंगल बी इज़ इक्वल टू वन एटी प्लस के वन हंड्रेड इधर आके माइनस के वन हंड्रेड हो जाएंगे टू एंगल बी इज इक्वल टू वन एटी में से हंड्रेड माइनस होगा तो एट्टी डिग्री आएगा यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में एंगल बी 80 डिग्री और ये टू डिवाइड में जाएगा तो ये कितने से कैंसिल होगा 40 डिग्री एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 40 डिग्री लेकिन मुझे पता जितना बी है उतना ही एंगल सी भी है ठीक है तो एंगल सी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री क्योंकि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एंगल इज इक्वल टू एंगल सी आप यहाँ लिख देना बिकॉज़ एंगल बी और सी आपके कैसे हैं इक्वल यही आपका आंसर आ जाएगा फोर्टी डिग्री तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री और फोर करवाए हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच